हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कल, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, रेट लॉ के बारे में। ठीक, रेट लॉ के बारे में लिखा था कि रेट लॉ कैसे हम लोग लिखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स थे। ठीक, तो हम लोग आज भी जो है इसी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक नंबर की डेफिनेशन भी आपके यहाँ पूछी जाती है, तो उसकी डेफिनेशन को भी समझते हुए तब आगे चलते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको एक चीज जरूर मालूम होना चाहिए, रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन ये मालूम होना चाहिए। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनकी पावर का सम कर लीजिए, पावर का सम कर लीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहा हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे, अभी आपको दिखाते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं भाई, द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स which raised in a rate law expression, which raised in a rate law expression, the sum of power of all concentration terms which raised in a rate law expression, that is called order of reaction, called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ कहीं कहीं ऐसे यूज करें तो समझ लीजिएगा, ओ ओ आर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसकी बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ए बी बी सी सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक, और जो है इसका एक्सपेरिमेंटली रेट ला जो मिला हम लोगों को, एक्सपेरिमेंटली रेट ला जो हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखिए रेट बराबर के, अब यहां जो ये कोफिशियंट है इसको देख करके हम लोग लिख देंगे तो वो जरूरी नहीं कि वो कोफिशियंट के बराबर हो, हम लोग अभी बताते हैं आपको। रेट पी, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। जो पी क्यू आर है, पहले तो समझ लीजिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके कंसंट्रेशन टर्म्स लिखा है। देखिए आपने कंसंट्रेशन टर्म्स ये लिखा है आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन कह रहे हैं। ये क्या है, रेट ला एक्सप्रेशन, और इस रेट ला एक्सप्रेशन में ये कंसंट्रेशन टर्म्स है और इस कंसंट्रेशन टर्म्स की ये पावर है। तो पावर देखिए आपने लिखा रेट ला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स लीजिए, उसकी पावर का सम कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, रेट ला एक्सप्रेशन में आपने क्या कहा, कंसंट्रेशन टर्म्स और उसकी पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एड कर ले रहे हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। आपके दिमाग में आ रहा है ये पी और क्यू और आर आया कहां से, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यहां तो कोफिशियंट ए दिखाई दे रहा है, यहां कोफिशियंट बी और यहां कोफिशियंट स्मॉल सी दिखाई दे रहा है, फिर पी क्यू आर आया कहां। तो देखिए ये पी क्यू आर जो होता है एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी,
एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है और जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू मे बी तो पी बराबर ए भी हो सकता है, क्यू बराबर बी भी हो सकता है, आर बराबर सी भी हो सकता है, या पी डज नॉट इक्वल टू ए, क्यू डज नॉट इक्वल टू बी, आर डज नॉट इक्वल टू सी, ये भी आपका हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू आपकी एक बराबर भी हो सकती है ये, लेकिन बहुत कम केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे। और ये वैल्यू जो है आपको मिलेगी कैसे, तो हमने इसीलिए लिख दिया था, देखिए एक्सपेरिमेंटली रेट ला, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया कि ए जो है पी, यहाँ पे पी और बी की जगह यहाँ क्यू है और सी की जगह यहाँ पे आर है, सी की जगह आर है, तो ये पी क्यू आर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने इसीलिए कहा कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के बराबर भी हो सकता है या उससे अलग हो सकता है। बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये सिंपल रिएक्शन कहलाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और जो भी सिंपल स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, सिंपल रिएक्शन होते हैं, वहां पे हमेशा कोफिशियंट इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये सिचुएशन आती है, तो इसलिए जो है ये सिचुएशनल है, हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये भी बात कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ऑर्डर आप किसी भी रिएक्शन का तभी बता सकते हैं जब आपको एक्सपेरिमेंट दिया हो और एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैल्यू दी गई हो, तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वरना आप देख करके कोफिशियंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे, 10 रिएक्शन बता रहे हैं तो उसमें 8 रिएक्शन आपके गलत होने की संभावना रहेगी और 2 रिएक्शन में आपको हो सकता है सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, तो वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कोफिशियंट है वही कोफिशियंट के बराबर दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इन सब चीजों पे और इनको देखा भी जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहा, तो हमने ये कि इसमें समझने वाली सिर्फ एक बात ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वास्तव में क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटली प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम लोग कोफिशियंट को देख करके किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर को नहीं लगा सकते। अगर पावर को लगाएंगे तो वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कोफिशियंट्स होते हैं यानी पी क्यू आर की वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू जो रिएक्टेंट के कोफिशियंट्स हैं इनके बराबर भी हो सकती है, उनसे अलग भी हो सकती है। तो इसी को हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। कुछ और भी बातें हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। कुछ और भी बातें जो है जो रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, उनको देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, अभी आपने कहा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें जो है आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे जो है कैटलिस्ट का भी दिखाएंगे, कंसंट्रेशन वहां पे आप दिखाएंगे, प्रोडक्ट को भी दिखाएंगे। तो आइए कुछ देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब पॉइंट है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है भाई। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला देखिए, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो उसका जो है इन्वॉल्वमेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त हम लोग नहीं करते, जो अभी हमने आपको बताया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू
हैव नथिंग टू डू विद आर्डर। आर्डर के साथ जो है कोफिशियंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं होता। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2N2O5 गिव्स 4NO2 और प्लस O2। अगर इसका आप रेट लिखेंगे तो रेट जो लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के N2 की पावर N2O5, N2O5 की पावर 1। N2O5 की पावर क्या है? 1। अगर N2O5 की पावर 1 है तो इसका मतलब है आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1। आर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे 1 होगा। जबकि आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है। तो ये आपने कहा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग नथिंग टू डू विथ आर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरा कर लीजिए, आर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। और ये कहां से मिला? ये जो मिला है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल है। हम देख कैसे कैसे लिख दे रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, आपने अभी तक कहा कि जो रेट लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे प्रोडक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने पर। क्योंकि आपने रेट लॉ में एक चीज पढ़ा था, वहां पे लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज में हमने लिखा था वहां रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट भी हो सकते हैं प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं। कल आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में जो हमने आपको बताया है, वहां पे हमने रेट लॉ का एक डेफिनेशन लिखाई थी। पहली ही डेफिनेशन थी कि वहां रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट लॉ लिखते वक्त हम लोग किस पे डिपेंड करते, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज की बात वहां थी, और स्पेसीज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें इन रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट, यानी रेट ला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है प्रोडक्ट का, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, 2O3 गिव्स 3O2, ये है, ठीक है भाई। और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, देखिए बार बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। ये O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1, यानी यहां प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है, प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, यानी इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट, यानी इस रिएक्शन पे जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि जो है O3 के साथ O2 का भी कंसंट्रेशन रेट को, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और बार बार आपसे कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये डिटरमाइन किया गया है और एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका ऑर्डर भी लिखा जा रहा है। तो ये चीज आपका हो गया,
ये पॉइंट हुआ। तीसरा देखिए, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तीसरे पॉइंट में, कभी कभी आप देखते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एब्सेंट भी हो सकता है, मे बी एब्सेंट, जैसे दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एब्सेंट भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट यही है, इन अ रेट लॉ द कंसंट्रेशन ऑफ, इन रेट लॉ द कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट, सम ऑफ रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट। अगर रेट लॉ की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ रिएक्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे रिएक्शन दे रहे हैं हम उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल, एनओ टू प्लस सीओ गिव्स एनओ प्लस सीओ, यही तो रिएक्शन है। और इसका एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन किया गया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व होता है, अ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनओ टू की पावर टू। यहां सीओ एब्सेंट है, देख लीजिए यहां जो है सीओ एब्सेंट आपका है, यानी सीओ की पावर जीरो, सीओ की पावर जीरो हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं, किसी के पावर जीरो तो वन हो ही जाएगा, ये तो मालूम ही है आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एनओ टू की पावर टू, यानी ये यहां पे क्या है, एब्सेंट है, इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधे सीधे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को भी हम लोग दिखा सकते हैं और कह सकते हैं भाई, इस चीज को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, इन चीजों को सीधे सीधे बता भी रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम इसी को और दिखाएं, अगर इसी को दिखाएं, हमने आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में आप देखते हैं रिएक्टेंट के अलावा कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम ले रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इन रेट ला, इन रेट ला कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट में आल्सो बी प्रेजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट मे आल्सो बी प्रेजेंट, इन रेट ला कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट मे आल्सो बी प्रेजेंट, यानी कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन भी जो है प्रेजेंट होता है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखिए रिएक्शन एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, और यहां जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट आपका NO गैस, यहां पे NO गैस। और अगर इसका एक्सपेरिमेंटली रेट लिखे हम लोग, एक्सपेरिमेंटली रेट लिखें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है इसका, अब यहां पे देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ओ टू और एनओ, ओ टू और एनओ के रेस्पेक्ट में आ रहा है, और ये ऑब्जर्व किया गया ओ टू की पावर टू और एनओ की पावर वन, ठीक है भाई। और जबकि ये क्या है, ये कैटलिस्ट, इसका मतलब है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको कंसीडर किया, कि चार पॉइंट हैं जिसमें आपने बताया
कि स्टाचियोमेट्रिक कोफिशियंट जो रिएक्टेंट का है वो जरूरी नहीं, और रेट लिखते वक्त आप उसका इस्तेमाल करें। दूसरा हमने बताया कि आपने जो रेट ला में कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज की बात की, यानी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। तीसरा हमने आपसे कहा कि कभी कभी रेट ला लिखते वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एबसेंट भी होता है, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट में भी एबसेंट होता है। और चौथा पॉइंट हमने बताया कि रेट ला लिखते वक्त कैटलिस्ट की भी कंसंट्रेशन कहीं कहीं जो है प्रेजेंट होती है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो भी रेट हम लोग लिख रहे हैं वो रेट किस आधार पर लिख रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। बार बार हमने लिखा है आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इस पूरे देखिए, ये कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, इसकी पावर जोड़ लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। कंसंट्रेशन टर्म्स है, ऑर्डर जोड़ लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2। कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर जोड़ना है, और कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर आती है वो एक्सपेरिमेंटली आती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है, काफी न्यूमेरिकल पढ़ा जाएगा। तो ये आप इस चीज को ऑब्जर्व करते रहे, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे कम से कम न्यूमेरिकल सॉल्व तो करिए, परफेक्शन तभी आप में आएगी। और चीजें, और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको काफी चीजें कवर करते हुए चलें, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये हो गया भाई, अब आइए कुछ इसी से रेट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा जाता है। कल हम लोग देख रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। और आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जीरो ऑर्डर, ये सब है ही है आपके यहां, और जीरो और फर्स्ट से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। इसको आगे अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब लोग पढ़ेंगे उनका एक साथ, जीरो ऑर्डर की सारी चीजें एक साथ, फर्स्ट ऑर्डर की सारी चीजें एक साथ, इस तरह से पढ़ा जाएगा, तो वहां पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ हम इसी पे क्वेश्चन लेते हैं जो आप कल लगा रहे थे। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, फॉर ए रिएक्शन टू ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन दिया गया, अब इसमें कंडीशन चेंज किया है हमने, इन्होंने कुछ कंडीशंस को चेंज किया है। अगर कंडीशंस को चेंज किया क्या क्या चीज देखिए, कह रहा है पहली कंडीशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन, डबल अलोन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू टाइम्स। कंडीशन दे दिया हमने पहला, टू टाइम्स, यानी जब आपने ए को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन टू टाइम्स बढ़ा। दूसरी कंडीशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल, ठीक है डबल, तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एट टाइम्स। इंक्रीजेस 8 टाइम्स, तो पूछ क्या रहा है, राइट रेट ला एक्सप्रेशन, राइट रेट ला एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ पूछ रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना बहुत सिंपल चीज है, बस आप कंडीशन देखिए। बस मैंने हमने आपसे कल भी चर्चा किया था, आप रिएक्शन देख के घबराइए नहीं, क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए क्या कह रहा है। तो हमने आपसे कहा कि रेट ला एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो पहले हम रिएक्शन को देख करके रेट ला लेते हैं। जैसे एक जनरल रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन के लिए रेट ला क्या हो जाएगा, देखिए रेट ला आर से डिनोट करते हैं ना, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के, हमें मालूम नहीं है ए की पावर, ए की पावर तो हमें मालूम नहीं है ना, तो
ए की पावर हमने मान लिया एक्स और बी की पावर क्या मान लिया वाई, यानी आपने ये लिख लिया आर बराबर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप कंडीशन लीजिए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, यानी ए को डबल करना है, बी में कोई चेंज नहीं करना है। तो जब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं तो हमने इसे लिख दिया रेट ऑफ फाइनल रिएक्शन, आर एफ का मतलब फाइनल रिएक्शन, मतलब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए फाइनल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ फाइनल रिएक्शन की बात कर रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो ए इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू टाइम्स, यानी टू एफ आर एफ हो जाएगा टू टाइम्स, और ए को आप डबल कर रहे हैं यानी के, और ए की जगह क्या लिख दे रहे हैं टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। हो गया भैया? हो गया भैया? सॉरी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब तीसरा देखिए, ए और बी दोनों को डबल करना है तो कितने टाइम्स हो जा रहा है, एट आर एफ इज इक्वल टू के टू ए की पावर एक्स, बी को भी डबल करना है टू बी की पावर वाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ये आपका इक्वेशन आ गया, देखिए ये इक्वेशन आ गया। करना कुछ नहीं है, आप एक बार जो है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक बार जो है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल सा इक्वेशन है। जैसे देखिए आप समझ जाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ध्यान से, सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, तो क्या क्या कैंसिल होगा, के यहां पर भी ए ए ए तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स ये सब आ ही जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां बचेगा क्या, यहां गौर से देखिएगा टू की पावर एक्स बच रहा है और यहां क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर आपका जो है टू टू आर एफ अपान टू आर हो जाएगा। क्यों भाई, यही तो हो जाएगा टू आर एफ अपान आर, यानी यहां पे आर एफ और आर एक ही है भाई, नहीं समझ रहे, ये दोनों अलग करने के लिए हमने दिखाया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आर एफ टू आर एफ बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू, टू ही तो बच रहा है भाई, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, यहां टू बच रहा है, तो टू की पावर क्या दिखाई दे रही है एक्स, और इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये बच जाएगा टू की पावर वन और बराबर टू की पावर एक्स, यही दिखाई दे रहा है टू की पावर वन। दे भाई ये टू बचेगा ना, आर और आर दोनों बराबर हमने लिया है ना यहाँ पे, दोनों तो रेट ही तो है भाई, रेट दूसरे कंडीशन का है, बस अंतर यही है। तो आर एफ और आर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, अगर आर एफ और आर बराबर हो गए तो टू यहाँ टू बचेगा और यहाँ टू की पावर एक्स, और आपका जानते हैं बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई वन, एक्स की वैल्यू वन आ गई, यानी यहां जो एक्स है एक्स की वैल्यू वन आपको दिखाई दे रही। अब ऐसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर से देखिए, अब यहां पे तो के कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे, ए कैंसिल हो गया इससे, बी कैंसिल हो गया इससे, तो बचा क्या यहां पे देखिए, और ये आपका इससे कैंसिल हो जा रहा, तो बचेगा क्या ए बराबर ये टू की पावर एक्स और क्या बचेगा टू की पावर वाई, ये दिखाई दे रहा है। अरे भाई ये सिर्फ बचेगा ये
ये कटेगा सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा जब ये करेंगे, आप करिएगा घर पे। तो अब देखिए 8 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बराबर इसको लिख सकते हैं बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, बेस सेम है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू तो आपने निकाली हुई है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू जो है अगर हम रख दें पुट द वैल्यू ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया x और y की वैल्यू आ गई भाई, इस इक्वेशन से देखिए आ गया ये वैल्यू, अगर आप इसको देखना चाहें ये आपका जो है ये देखिए ये वैल्यू आ गई, यहां से x और y की वैल्यू जो है आपने निकाल लिया। अगर आप अब लिखना क्या है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी x की वैल्यू 1, तो देखिए रेट बराबर हो जाएगा k, a की पावर x 1 आ रहा है और b की पावर कितना आ रहा है y की वैल्यू 2 आ रहा है। ये आपका पहला हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहली चीज, और उसके बाद पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n बराबर 1 प्लस 2 बराबर ये कितना हो गया 3। तो ये इक्वेशन आपका हो गया जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। अभी इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, आप घर पर बैठ के करिएगा, ठीक है भाई? ओके चलिए चले भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है हमने क्या क्या चीज, वही उसी तरह का क्वेश्चन है देखिए, लेकिन आपकी रिएक्टेंट की संख्या 3 हो गई, अभी तक हम 2 ले रहे थे अब 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस 2b प्लस 4c गिव्स प्रोडक्ट, इस तरह का रिएक्शन दिया गया a प्लस 2b प्लस 4c गिव्स प्रोडक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अब बताइए कंडीशन ले रहा, पहला व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आपने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना कम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल बी इज हाफ, मतलब ए को डबल कर रहे हैं और बी को हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना बढ़ रहा है 4 गुना। यहां सी कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा सी में कोई चेंज नहीं है, कंडीशन है कि जब जिसको कहा जा रहा है उसी को हम लोग काउंट करें, बाकी को कंडीशन फिक्स कर देंगे। अब जैसे यहां पे कह रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन सी का इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है 64 टाइम्स, ठीक है 64 टाइम्स। अब आपको पता करना है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तीन रिएक्टेंट का है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कंडीशन कितनी मानी है 1 2 3, तो 3 आप नए रिएक्शन बनाएंगे, 3 नए रिएक्शन, पहले तो इससे रेट ला लिखेंगे और इसकी सहायता से फिर एक रिएक्शन ये एक ये एक ये, फिर वही जो है डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर हमें तो क्या लेना है एक्स, बी की पावर क्या लेना है वाई और सी की पावर क्या लेना है आर, पी क्यू आर चाहे एक्स वाई जेड ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अगर आपको जो है आर एफ लिखने से थोड़ा से अनकंफर्ट फील हो रहा है तो हम उसी को आर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है भाई? ये आर बराबर हो गया ना रेट ऑफ एक्स रेट ला है। तो अब पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कल भी बताया था हमने।
और आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब अगर आप दिखाएंगे तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो आपने क्या कहा, जब वॉल्यूम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करा, यही दिखा रहे हैं। When volume of container is double, rate of reaction decreases 8 times. और जो आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ जो molar concentration लिखते हैं, वो molar concentration क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, ठीक है, मोल पर लीटर होता है। इसको आपने ऑब्जर्व किया है, मोल पर लीटर की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी इसी को बढ़ा रहे हैं। मोल तो आपका वही रहेगा जो यहाँ पे है, अपान वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम जितना बढ़ा रहे वही लिख करके आप इक्वेशन बना दीजिए। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, तो आपने कहा रेट जो है 8 गुना बढ़ जा रहा, मतलब घट जा रहा, तो रेट 1/8 हो जा रहा। अब आर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपके कंफ्यूजन ना हो, आर एफ आर जो है अलग अलग है, और इज इक्वल टू के। अब आपने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, यानी वॉल्यूम दो गुना कर दे रहे हैं, तो ए की पावर के ए बाई क्या हो जाएगा, टू, ए बाई टू हो जाएगा, और आपका पावर एक्स। और आपने क्या कहा, सबका सबको देखेगा, बी बाई टू हो जाएगा कि पावर वाई, सी बाई टू हो जाएगा पावर जेड। ये इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन नंबर ये हो गया। ये किस आधार पे है, ये आपका ये है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, तो जितने भी रिएक्टेंट का मोल, जैसे मान लीजिए ए का ए मोल है, बी का बी मोल है, सी का सी मोल है, तो वॉल्यूम को बढ़ा रहे ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू कर, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये इक्वेशन आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तीसरा कंडीशन आइए देखिए, ये वाली कंडीशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, B is half, rate of reaction 4 times, 4 गुना, R का 4 गुना यानी क्या लिख देंगे, R का 4 गुना यानी 4R is equal to K, और concentration of A को double कर रहे हैं, यानी 2A की power X, और B को क्या कर रहे हैं, B is half, यानी B by 2 की power क्या कर रहे हैं, Y, और C में कोई change नहीं कर रहे हैं, सी की पावर जेड है, ठीक। ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन आपका थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आइए चौथा, तीसरा ये वाला इक्वेशन आते, इसको बनाने का प्रयास करते। यहां पे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम्स, ये 64 आर हो जाएगा, इज इक्वल टू के 2a कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a में कोई चेंज नहीं, b में कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा आप a की पावर x, b की पावर y, और c वाले में क्या हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स एलोन, 4 गुना हो जा रहा है, 4c हो जा रहा है, और इसकी पावर z। ये इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन हो गया जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। देख लीजिए हमने जो दिया गया है उसी के आधार पे इसको मान लिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसी से इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन को डिवाइड करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइड कैसे करना है, क्या करना है, ये देखते हैं। ओके भैया, बना लिया है, कंडीशन हो गया, अब आगे आइए चलते, हटा रहे हैं। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी इसलिए इसको लिखा रहने देते हैं। पहले हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, कर लीजिए चाहे तो, जिससे आसानी से कट जाए, कोई दिक्कत नहीं।
इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 इधर दिखाई दे रहा है, और यहां पे के कैंसिल हो जाएगा, ए ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 1/2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर वाई, 1/2 की पावर जेड, यही दिखाई दे रहा है भाई, 1/ सीधे सीधे इक्वेशन देखिएगा। तो अगर हम लोग करें तो ये आपको दिखाई दे रहा 1/8 बराबर, भाई ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये बराबर आ रहा है 1/2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर वाई, 1/2 की पावर जेड, ठीक, और 2 की पावर वाई और 2 की पावर जेड यहां हो जाएगा, ये भी ए ए बाई टू है ना, ये ए ए बाई टू, टू ये भी ऊपर चला जाएगा, वही उल्टा हो गया है, ठीक है भाई, तो ये 2 की पावर एक्स टू, ये आपका सीधे हो जाएगा, आएगा यही वैल्यू। ये सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। ठीक है भाई, अगर हम लोग सीधे सीधे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये न्यूमेरिकली जो आई, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए, अब हमें जो है एक्स प्लस वाई मिल गया, अब नेक्स्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, 4 ये है डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो आर आर तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 64 बचा, के कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ए ए कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या 4 की पावर जेड, यहां बचेगा 4 की पावर जेड, और 4 चौक 16 चौका 64, आप इसको निकाल सकते हैं, तो जो जेड की वैल्यू आएगी देखिए इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर जेड, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 3, ये एक इक्वेशन आ गया, जेड की वैल्यू आ गई आपको, ठीक है भाई। अब इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड कौन सा है भाई, थर्ड ये है, तो आर आर कैंसिल हो गया, 4 इधर बचा, यानी इधर कितना बचा 4, और उसके बाद क्या आपका कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल हो गया, यहां 2 बचा, 2 की पावर एक्स और बी की पावर ए, क्या बचा आपका बी बी बाई टू, 2 की पावर वाई, ये आपका सीधे सीधे बचेगा 2 की पावर एक्स, देखिए इसको डिवाइड किया इससे, तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये ए ए कैंसिल हुआ, यहां 2 की पावर एक्स बचा, और फिर ये जो है बी बी बाई टू, बी बाई टू अपान बी, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2 की पावर वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस वाई, आप 2 की पावर 2 देख सकते हैं बराबर 2 की पावर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है 2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, या ए बी ले लेते हैं, ए बी और ये सी, अब अगर हम इसी वैल्यू को उठा के रख दें, देखेगा ध्यान से, जेड की वैल्यू को उठा के रख दें हम इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन ए, आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर डी मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी, अगर सी और डी को बात करते हैं तो क्या देगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा पहले भाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स बराबर टू, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन। यानी आपको एक्स की वैल्यू भी मिल गई, जेड की वैल्यू भी मिल गई। अगर आप इसी वैल्यू को रख देंगे दोनों वैल्यू को, तो आपको यहां पे जो जेड की वैल्यू है वो मिल जाएगी, जेड क्या वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड इन इक्वेशन, कौन सा है भाई ए, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन प्लस वाई, जेड की वैल्यू थ्री इक्वल टू थ्री, तो वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको यहां पे मिल गई है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब आप रेट ला लिख सकते, और रेट ला लिखने के लिए इसी इक्वेशन में रखना, एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह रखना है आपको। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन आएगा आपका वो इक्वेशन क्या होगा, देखिए तो ये आ जाएगा रेट ला एक्सप्रेशन बराबर के, ए की पावर क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितना निकाला है, एक्स बराबर वन आया ना, ए की वैल्यू ए की पावर वन, बी बराबर कितना निकाला है, बी की पावर वाई, वाई माइनस वन माइनस वन, और सी की वैल्यू जेड बराबर कितना आया है, जेड बराबर थ्री आया, थ्री। ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज रेट ला एक्सप्रेशन, ये रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। और आर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना अगर है, आर्डर ऑफ रिएक्शन वन माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया थ्री, आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया थर्ड आर्डर। अब आप देखिए कोफिशिएंट आपको कितने दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका थर्ड हुआ। तो इस तरह से आप इस रिएक्शंस की सहायता से आप तमाम चीजें बता सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा, बुक में बहुत ढेर सारे दिए हैं, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी में भी ढेर सारे दिए गए, एनसीईआरटी में भी ढेर सारे दिए गए हैं, जिनको आप ऑब्जर्व करिए और उनको सॉल्व करिए। तो कुछ चीजें और है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे फिर ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए। अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो कहा जाता है, हम लोग जो रेट ला एक्सप्रेशन पढ़े हैं वो रेट ला एक्सप्रेशन जो है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन किसे कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या आप कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो है ये आपका जो है ये फॉलो करता है, फॉलोज फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। और फॉलो करता है किसको, फॉलो रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी जो कोफिशियंट दिया रहेगा वही होगा भाई। सिंगल स्टेप अगर रिएक्शन दिया गया है तो आप उसका रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी वही आएगा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बट
इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा बहुत माइनर ऑब्जर्वेशन है, बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हैव मोर देन वन स्टेप, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक स्टेप से ज्यादा में रिएक्शन हो रहा है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कांट फॉलोज अबव लॉज, ये फॉलो नहीं करेंगे जो ऊपर बताया आपने, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा वो सही नहीं होगा अगर उसको देख करके लिखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, आपका एग्जांपल देखिए, 3a प्लस 2b गिव्स c, ठीक है भाई। अगर आप इसको देखें, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन है k, a की पावर 2, b की पावर 1, तो यहां कोफिशियंट अलग है और यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली आपने आपके किया, एक्सपेरिमेंटली ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटली आपने ऑब्जर्व किया, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आपका कैसा रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, प्रोसीड्स मोर देन वन स्टेप, और अगर एक से ज्यादा स्टेप में ये प्रोसीड कर रहा है तभी इसका रेट लॉ जो लिख रहे हैं आप वो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं है जिसको आपने यहां चर्चा किया है। इस चीज को ध्यान देते रहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब चीजें। अब सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए हमने तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, जैसे यहां पे देखिए 2x प्लस 3y गेट्स 4z, ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, अब देखिए जो कोफिशियंट है वही अब पावर आ रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, और सिंपल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन को वो फॉलो कर रहा, और वही चीज यहां पे आ रही है, अंतर देख लीजिए, ये रिएक्शन और उस रिएक्शन को हमने लिया है, और यहां पे ये कह रहा है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये सिंपल रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रेट लॉ को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो कोफिशियंट है वही पावर दिखाई दे रही, तब तो सही, अगर कोफिशियंट जो दिखाई दे रही है वो पावर में ना दिखाई दे तो इसका मतलब है वो सिंपल रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, और इनका इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन इक्वेशंस को फॉलो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन प्रोसीड करके जो है कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है भाई। आइए कुछ और दिखा देते हैं रिएक्शन, बस उसके बाद ये आपका टॉपिक, कंडीशंस पे भी बहुत डिपेंड करती है भाई, जैसे देखिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, रिएक्शन देखिएगा H2 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में 2HCl, रिएक्शन एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, रिएक्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इनका रेट लिखेंगे, रेट लिखेंगे तो यार K H2 KH2 और I2 ये आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंपल रिएक्शन हो गया, ये सिंपल रिएक्शन हो गया, लेकिन अगर इसका रेट लिखते हैं तो रेट बराबर के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहने का मतलब इसकी जो कोफिशियंट दी गई है वो इसकी पावर में नहीं दिखाई दे रही, कोफिशियंट जी यहाँ पे एक है, यहाँ 0 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये आप पढ़ते भी हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोफिशियंट जो है कभी भी रेट लॉ में वो जो दिया रहेगा उसके बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन फेल है, यहाँ पे
ला ऑफ मास एक्शन क्या हो गया? फेल। ला ऑफ मास एक्शन फेल, ठीक है। और यहां पे ला ऑफ मास एक्शन क्या हो रहा है? फॉल। ये ध्यान रखिएगा, इतनी चीजों को देख लीजिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ा जाएगा। इतना पढ़ डालिए आप, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में।